Welcome one and all. In today's video, we are going to talk about the industrial policies of the Indian economy, manufacturing industries, yeah, industries per se, mein kya kya policy changes aaye hain since the beginning. Let's have a look at it. So, sabse pehli baat to bahut sari industrial policies bani thi hamare desh mein right after independence. To uski thodi thodi si highlights dekh lete hain. तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना था वो 1948 में बना था एंड इन दिस अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज. ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें बाकायदा दिखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज को सेटअप करना एक गाइडलाइन है फॉर आर स्टेट. इसके अलावा 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने जो इंडस्ट्रीज हैं इनको चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था. ग्रुप वन को बोल दिया था स्टेट मोनोपोली, जैसे आर्म्स एंड एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एक्सेट्रा, कहा ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी ही कंपनियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर के पास ये नहीं जाएगा. फिर ग्रुप टू में जो इंडस्ट्रीज रखी थी, कुछ एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज थी उनको बोला कि हाँ चलो 10 साल तक आप ऐसे ही चलो, 10 साल के बाद हम देखेंगे कि स्टेट को कितना इसमें इंटरफेयर करना है. और बाकी जो आज से बन रही हैं इस ग्रुप की इंडस्ट्रीज, उन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर मोर और लेस जो कंट्रोल होगा वो स्टेट का ही होगा. सो स्टेट टू टेक डिसीजन फॉर एग्जिस्टिंग एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर. एग्जाम्पल टेलीफोन की इंडस्ट्री. फिर ग्रुप थ्री में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें बोला हाँ प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में हो सकता है. एंड द फोर्थ ग्रुप वॉज रिमेनिंग, बाकी सारी की सारी जो भी इंडस्ट्रीज रह गई थी जो इन तीनों ग्रुप्स में नहीं आती थी वो ग्रुप फोर में आ गई और बोला उसमें गवर्नमेंट मे इंटरफेयर. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी हैड अ वेरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड विच इज़ वाई सच इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर मेड एट दैट टाइम. फिर 1948 के बाद कोई कमी दिखी तो 1956 में दोबारा से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जिसमें फोकस था ऑन पब्लिक सेक्टर लेड हैवी इंडस्ट्रीज, ऑयल, स्टील, माइनिंग एक्सेट्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा. क्यों फोकस रखा? क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर जाना चाहते थे. वी वॉन्टेड टू क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल ताकि हम आत्मनिर्भर रहें, राइट, सेल्फ रिलायंट बने. और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात अभी चली है ये कोई नई बात नहीं है. आई बीन सेइंग इट टाइम एंड टाइम अगेन. जो आपका प्लानिंग कमीशन था किस बलबूते के ऊपर प्लान्स बनाता था, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस. सो सेल्फ रिलायंस वॉज ऑलवेज अ गोल फॉर अस. एंड रॉ मटीरियल्स मिल सकते हैं इन पब्लिक सेक्टर हैवी इंडस्ट्रीज में से जो कि यूज कर सकती है दूसरी इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश ऑन देयर ओन एंड देयर बाय क्रिएट जॉब्स, राइट. आफ्टर दिस नोटवर्दी जो था, आपको हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस भी किया है टाइम एंड टाइम अगेन टिल 1991 ऑफकोर्स, क्योंकि जिस तरीके की इकोनॉमी हम फॉलो कर रहे थे बड़ी कंट्रोल्ड थी, जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आया, ट्विन डेफिसिट्स भी आए और बहुत सारे चेंजेस आने पड़े, और जिसकी वजह से इन 1991 द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. वाई एम आई नॉट गोइंग इन टू ग्रेट डिटेल एज टू वाई दिस हैपेंड इज बिकॉज ये क्लास में ऑलरेडी हो चुका है. सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी है इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं ऑफ इंडिया. अब इन पॉलिसीज में क्या क्या मेजर चीज़ें हुई? पहली बात तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखी और उनको एक रत्न स्टेटस दिया. कुछ जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी बढ़िया कर रही थी, बढ़िया कर रही थी तो बोला ठीक है इनको यू नो प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं, इनको रखे रखो, इनकी एफिशिएंसी अच्छी है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी है इसलिए इनको एक रत्न स्टेटस दे दिया जो आगे चल के हम देखेंगे महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये रत्न स्टेटस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये इवन दो इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी जिसका प्राइम मोटिव इज़ वेलफेयर, इट इज़ स्टिल वेरी एफिशिएंट एंड प्रॉफिट मेकिंग. फिर बोला कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर वाली जो एंटरप्राइजेज हैं वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में आ सकती है. हाँ, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा. कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं? तो अल्कोहल, टोबैको, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव्स. यू मस्ट अंडरस्टैंड इन सब की कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस लोगों के ऊपर पड़ सकता है बहुत बुरी तरीके से. स्प्यूरियस लिकर की वजह से हाल ही में पंजाब में कितनी सारी डेथ्स हुई हैं, नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट,
It is for strategic reasons, for national security reasons. We want to give the license only to few industries. Again, can have a harmful effect. Jo Vizag mein gas leak hua hai abhi abhi, or industrial explosives bhi, right? Phir liberalization, privatization, globalization ke andar कहते हैं जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे केवल आप इतना करिए कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में ये काम करना है ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसे सेक्टर में, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जाइए और एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम भर दीजिए। ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम में आप क्या लिखेंगे कि आपको कहाँ से पैसा मिला या इन्वेस्टमेंट मिली ये काम करने के लिए, कि आपने लोन उठाया, कि आपके पास खुद की ज़मीनें हैं जो बेच के आप काम कर रहे हो, वेयर डिड यू गेट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, फिर आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और आप क्या क्या काम करेंगे। बेसिकली जस्ट अन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कि हम ये वाला काम कर रहे हैं इस तरीके से, कि मतलब कुछ गलत तरीके से लोग काम ना करें। फिर है कि अर्लियर फ्यू सेक्टर्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज ओनली। कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स होते थे जो कि जैसे कि अचार बनाना या ग्लास बैंगल्स बनाना या स्टील की अलमराज बनाना, ये सारे के सारे सेक्टर्स ना हमने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखा था। बोले बिग बिग कॉर्पोरेट्स विल नॉट डू दिस वर्क, ताकि एटलीस्ट कुछ तो काम इन्हीं के पास रहे। लेकिन इस चीज़ को फेज आउट करना शुरू कर दिया थोड़ा 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 करके, हमने बाकी के कॉर्पोरेट्स को भी अलाउ किया इन रिजर्व सेक्टर्स में काम करने के लिए, एंड देवर इवेंचुअली कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाई 2015, मीनिंग देयर बाय अब सारी के सारे सेक्टर्स आर ओपन फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज। ओनली रेलवे एंड अटोमिक एनर्जी वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट, जो अभी आपको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स पे हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं इवन ऑफ द रेलवे सेक्टर, ठीक है। एंड प्राइवेट प्लेयर्स वर अलाउड इन द अदर सेक्टर्स। हियर अगेन आई एम एम्फसाइजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट LPG। फिर ग्लोबलाइजेशन में हमने बात की हुई है कि हम इंटीग्रेट कर रहे थे अपनी नेशनल इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, ताकि हम फायदा उठा सकें ऑफ बीइंग इन दिस ग्लोबल मार्केट, और जिस वजह से हमने काफ़ी सारे रिलैक्स कर दिए रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। ये सारी की सारी किस हद तक हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, ऑटोमेटिक रूट में क्या आएगा, अप्रूवल रूट में क्या आएगा, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे कैसे काम कर पाएंगी, प्राइवेट सेक्टर्स को बोला कि आप भी बैंक्स बना सकते हैं, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। इनफैक्ट टुडे वी आर इन अ स्टेज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और वी आर टॉकिंग अबाउट इवन प्राइवेटाइजेशन, राइट। तो ये थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन करनी हमने शुरू कर दी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 2016 में एक बहुत ही बढ़िया एक वर्ड यूज़ किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। नाउ सो वी डू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो हैड अ ग्रोथ ऑफ इट्स ओन, यू नो, पहले किसी और इंडस्ट्रीज का टाइम था, फिर कुछ और इंडस्ट्रीज आई, फिर कुछ और इंडस्ट्रीज आई, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर अब कोई रोक नहीं है, राइट। सो इसीलिए क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 बोला, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 करके बना दिया, और हमने देखा कि किन किन इंडस्ट्रीज किन किन टाइम पीरियड्स में ज़्यादा चलती थी हमारे विश्व भर में इंक्लूडिंग इंडिया। सो ये देखा गया है कि 1800s में जिसको फर्स्ट टाइप का 1.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, उस टाइम पे कोल, आयरन मशीन्स, रेलवेज, टेलीग्राफ्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अहमियत इनको दी जाती थी। फिर 1900s में जो सेकेंड यू नो रेवोल्यूशन आया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, टीवी, टेलीफोन्स, इन सब के ऊपर एम्फोसिस आ गया। फिर 1980s में जो तीसरा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स आ गए, ड्रोन्स आ गए, 3D प्रिंटर्स आ गए, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। और अब जाके अगर हम 4.0 की बात करें, जो 2016 क्यों 2016 क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, आई मीन इट इज़ नॉट ऐसे पत्थर की लकीर कि अच्छा 2016 से ही शुरू हुई है इसीलिए लिखा अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड, तो 2016 ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा कि ये जो सारी की सारी हमारी 3.0 में टेक्नोलॉजी आई थी, उसको हमने क्लाउड कंप्यूटिंग करके एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करनी शुरू कर दी है। सो यू स्पीक टू सिरी ऑन योर आईफोन्स और यू हैव एलेक्सा, राइट। ये सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि मैं एक वॉच पहन रही हूँ और मैं वॉक कर रही हूँ और पता चल रहा है मेरे को कि हाउ मेनी स्टेप्स हैव आई टेकन,
right? And whether I have got a message on my phone or not. You know, sometimes घर के अंदर पहुंचने से पहले through my smartphone मैं अपना AC on कर सकती हूँ. So ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये industrial revolution 4.0 का part है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ना, इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने एक बहुत ही बढ़िया वर्ड यूज़ किया था. इट यूज द वर्ड कॉल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज बेसिकली क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गैलपिंग एंड एट सच अ हाई एक्सपोनेंशियल स्पीड, साथ ही साथ हमें भी बदलना पड़ेगा. इनफैक्ट प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में ही आप देख लो, पोस्ट कोविड तो नहीं है, पेंडिंग पेंडेंसी ऑफ कोविड के टाइम पे अगर आप देख लो तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. चेंजेस के साथ बदलते रहना चाहिए और इसी वजह से स्मार्ट फैक्ट्रीज बनानी चाहिए. स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या होगी? स्मार्ट फोन क्या हो गया जो अपने आप काफ़ी कुछ कर सकता है. ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. क्या होगा इस चीज़ से? लेस इनपुट होगा, मोर आउटपुट होगा. तो कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी जिससे नई चीज़ें बनेंगी. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को नज़र में रखते हुए हमारी सरकार ने कौन से स्टेप्स लिए हैं? सो 2017 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाया था फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर डॉक्टर वी कामकोटी. सो इसमें क्या बोला था? 2016 नहीं है ये, 2017 है, राइट? इसमें 6 थीमेटिक स्कीम्स के बारे में, एरियाज के बारे में बात हुई थी. नॉट दैट इट हैज़ बीन रियली एनफोर्स्ड, द एंटायर डॉक्यूमेंट इज नॉट बीन एनफोर्स्ड, बट इट्स गुड टू नो व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाज थिंकिंग कि किन किन एरियाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को नज़र में रखते हुए हमें बदलाव की ज़रूरत है. सो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग और MSME में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा जब हम लोग ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी. एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करनी मतलब स्किल डेवलपमेंट करनी, मतलब नौकरियां तो होती हैं लोगों के पास जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम नौकरी में जाते हैं क्या हम हमें आता है क्या हमने काम करना है? मोस्टली नहीं आता होता. मोस्टली जब हम लोग हमें नौकरी मिलती है फिर जाके हम गलतियाँ करते हैं, फिर जाके हमें सीख मिलती है, तो हमें जाके स्किल्स आते हैं. पहले तो हमारे पास बुकिश नॉलेज ही होती है. सो इनफैक्ट ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलो एम्प्लॉयमेंट ही अब कम है, बट एम्प्लॉयमेंट तो कम है ही है, एम्प्लॉयबिलिटी और भी कम है हमारे अंदर. तो इसीलिए ये सारे एरियाज़ को नज़र में रखना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से स्कीम्स बननी चाहिए. ये 2017 में किया. फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े तो 2018 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बात की, तो टास्क फोर्स बनी जिसने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करो ताकि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे, अंडर N चंद्रशेखरन. और आपने कितना पढ़ा है ये आर्मी से लेके, नेवी से लेके, एयरफोर्स से लेके, जो अब डिफेंस इक्विपमेंट्स आ गई हैं उसमें भी AI की इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से नेशनल सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, नेशन भी प्रोटेक्टेड है. सो नाउ बजट 2018 गिव अ लॉट ऑफ मनी टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये मैं क्या बोल रही हूँ कि मतलब ये इनिशिएटिव्स हैं, हम लोग ये प्रोएक्टिव अप्रोच रख रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि अच्छा यार ज़माना बदल रहा है, साइंस बदल रहा है, सो हमें भी एडवांस करना चाहिए. सो 100 करोड़ तक की एलोकेशन हुई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को. फिर उसके बाद नीति आयोग ने भी 2018 में नेशनल AI मिशन इंट्रोड्यूस किया. सो ऑल पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन देयर ओन वे वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कदम से कदम मिला सकें विद द ग्लोब. नाउ संपर्क उद्योग भारत 4.0 ये क्या चीज़ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. क्या किया इन्होंने? कहते कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है ताकि हम अगेन टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चले और हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, राइट? सो एम क्या था इस मिनिस्ट्री का? टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी रेडी फॉर इंडस्ट्री 4.0 बाय 2025 थ्रू. ट्रेनिंग होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कि कैसे हमने नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. अवेयरनेस होनी चाहिए कि देखो कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं. नेटवर्किंग करवाओ एकेडमिया का इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब जो रिसर्च वाले लोग हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की नेटवर्किंग कराओ ताकि नई नई चीज़ें इनको समझ इनको पता चले थ्रू दीज रिसर्च सेंटर्स.
फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात है, ये तो हम हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं कि जहाँ पे हमें जो चीज़ अच्छी लगती है क्वालिटी वाइज एंड आउटपुट वाइज, उसको हम कहीं ना कहीं इमिटेट तो नहीं पर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वी लाइक कि एक कंट्री ने एक हिसाब से काम किया है, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखी है, तो हम वो मॉडल को इंडिया पे ढाल के इंडिया के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ योर संपर्क उद्योग भारत 4.0। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम अ लीनियर इकोनॉमी टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। वेरी वेरी सिंपल, लीनियर इकोनॉमी क्या था, चीज़ों को बनाओ, चीज़ों को यूज़ करो और फिर फेंको, पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी ना अगर फेंक दोगे। मज़ा तो तब आए जब आप चीज़ों को बनाओ, उनको यूज़ करो और यूज़ करो, इस हद तक यूज़ करो जब तक आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जैसे ही बेनिफिट्स मिलने बंद हो गए उनको रिकवर करो, उनको रीमेक करो, फिर यूज़ करो, फिर यूज़ करो, ठीक है। सो ये हो गई सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, पहली बात तो ये वर्ड किसने ला के हमें दिया, नीति आयोग 2019 में। क्यों आया ये वर्ड, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल है जो कहता है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल प्रोडक्शन होनी चाहिए आपके देश में, जिस करके अगर ये चीज़ होगी तो आप बिजनेसेस को भी सेव करोगे, क्योंकि यहाँ पे व्हेन यू थ्रो थिंग्स अवे तो बिजनेस भी गया, बिजनेस गया तो जॉब्स गई, जॉब्स गई तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, इतनी सारी एनर्जी गई, तो इसीलिए क्योंकि आप उनको रीयूज कर रहे हो तो यू विल सेव बिजनेसेस, यू विल सेव जॉब्स, यू विल सेव एनर्जी। अब कहते जब आप चीज़ बना रहे हो जो आपका इनपुट है, अगर वो नॉन रिसाइकलेबल हुआ तो एंड में जाके उसको रिकवर कर ही नहीं पाओगे, तो चीज़ें इनपुट वो यूज़ करो जो रिसाइकल हो सके। अच्छा, कीप यूजिंग, कैसे कीप यूजिंग, अरे प्रोडक्ट की लाइफ को एक्सटेंड करो थ्रू R&D, अपग्रेड करो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को, ताकि जो कस्टमर है उसको वही वाली चीज़ में नई 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 चीज़ें मिलते रहे। सो अपडेशंस होते रहते हैं, जैसे आपने अपने स्मार्टफोन्स में देखे, दो अगर आपका जो मेमोरी है वो बहुत ही कम है देन योर फोन स्टार्ट्स हैंगिंग, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, बट कॉन्स्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करो, अपनी मशीनरीज को अपग्रेड करो, राइट। एंड रिकवर, जैसे कि नाइकी का अगर एग्जांपल ले तो नाइकी जो पुराने हमारे नाइकी के जूते होते हैं ना जो हम फेंक देते हैं, उसको यूज़ करके बास्केटबॉल कोर्ट्स की फिलिंग होती है या टेनिस कोर्ट की फिलिंग होती है, सो यू आर यूजिंग दैट टू मेक इट इनटू समथिंग एल्स। जूते को फिर से बना के जूता बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अगर कहीं और भी यूज़ कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। सर्कुलर इकोनॉमी का एक और चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक और फीचर है कॉल्ड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल Airbnb, तो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक उनका घर होता है जहाँ पे वो रहते हैं, एक वो अपना वेकेशन होम सा बना देते हैं, जैसे पहाड़ों पे अपना घर बना लिया कि मतलब कभी कभार हम वहाँ पे चले गए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फ्री है, जब फ्री है तो उसको यूज़ कर लो। तो Airbnb के साथ हम लोगों ने अपना घर को एसोसिएट करवा दिया, जिसकी वजह से जब कोई टूरिस्ट आता है वो अपने ऑनलाइन देखता है उसने कहाँ रहना है, तो उसको मेरा घर दिखता है, वो मेरे को ऑटोमेटिकली कुछ पैसा देता है, कुछ इस कंपनी को भी पैसा मिलता है, और बैठे बिठाए मेरा जो घर है, जब वो विला है एसेट, उसकी भी यूटिलाइजेशन हो रही है। सो ये शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, मच लाइक ऊबर एंड ऊबर ईट्स। सो ऊबर से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो एक गाड़ी में, अब वही वाली गाड़ी खाना भी डिलीवर कर रही है, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई एंड यू आर शेयरिंग योर प्लेटफॉर्म टुगेदर। तो एक रेस्टोरेंट एक ऊबर की गाड़ी को यूज़ करके अपने कस्टमर को अपना खाना बेच सकता है। सो दिस इज़ हाउ सर्कुलर इकोनॉमी वर्क्स एंड विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, क्योंकि यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली थ्रो योर प्रोडक्ट्स और योर इंडस्ट्रीज, यू शुड यूज़ इट अगेन, दैट इज़ द एसेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो एक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बनाया है। तो एम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो उसको इंक्रीज करके 25% बनाओ। देखो जब इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली जॉब जनरेशन हो रही है क्योंकि चीज़ इंडिया में बन रही है, ठीक है। सो 2022 तक इसका शेयर इंक्रीज करो, जिसकी वजह से जॉब जनरेशन होगी, 100 मिलियन को जॉब मिलेगी। कैसे करोगे, बहुत तरीके हैं। तो पहला तो हो गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जहाँ पे
इसको निम्स बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है. सो इसमें क्या होगा, व्हाट इज देयर ओवर हियर, सो वी विल मेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप. अब जैसे ही मैं टाउनशिप देखती हूँ, वैसे ही मैं उस टाउनशिप को म्यूनिसिपैलिटी के साथ रिलेट कर रही हूँ, मत करना. ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है, दिस इज अंडर आर्टिकल 243 QC विच इज टॉकिंग अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. बेसिकली ये एक अपने आप में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो नॉर्मल नॉर्म्स है ऑफ इलेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते. सो इस टाउनशिप में क्या क्या आएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आएगी. स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखा था कि सरकार कोई लैंड अलॉट कर देती है, वहाँ पे टैक्स के इंसेंटिव दे देगी, यू नो, बिजली पानी के इंसेंटिव्स दे देगी, ताकि जॉब जनरेशन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना सकते हैं हम, वेयर हाउसिंग जोन्स बना सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बना देते हैं. अगेन एक ऐसे लैंड को अलॉट कर दिया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके चीज़ हम एक्सपोर्ट करेंगे, तभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको टैक्स का इंसेंटिव मिल रहा है या बिजली पानी का इंसेंटिव मिल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो एक तो ये चीज़ के बारे में बात हुई. फिर इन्होंने कहा कि आपके पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होने चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ही नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट बनाया, जिसके द्वारा वो हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है. कौन से वो आपने खुद देखने हैं. अभी हाल ही में 2018 में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर्स भी बने हैं. कहाँ बने हैं, ऑल ऑफ दैट योर होमवर्क, प्लीज़ फिगर दैट आउट. बहुत ही सिंपल चीज़ है. बेसिकली हम एक रास्ता बना रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज भी पनप सके और लोग भी रह सके. तो फंडिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज, वेयर हाउसिंग, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, हाउसिंग दो, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस वगैरह रखो ताकि लोग भी रह सके, इंडस्ट्रीज भी पनप सके. अब इसका मतलब ये जो कॉरिडोर है वो इंटीग्रेट करता है इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज नहीं बन पाएंगी. इंडस्ट्रीज में लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको घर भी देने पड़ेंगे, अगर घर पे वो रह रहे हैं तो उनको बहुत सारे साधन देने पड़ेंगे ताकि वो रह पाए वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ रह पाए. तो इंटीग्रेट द इंडस्ट्रीज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट यू कैन डू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. मतलब ये भी पार्ट फोर में आ गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट. सो कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं हमारे पास, रिसेंटली कौन से बने हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको प्लीज. लेट्स टॉक अबाउट द मेक इन इंडिया अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. सो अब ये मेक इन इंडिया क्यों करना चाहिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे की ही रिपोर्ट से आया है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. कहते कोई भी देश में आत्मनिर्भरता, या फिर वाई डू कंट्रीज प्रेफर टू मेक और मैन्युफैक्चर इन देयर ओन कंट्री, क्योंकि आप अपनी जियोलॉजी यूज़ करोगे, आप अपनी ज्योग्राफी यूज़ करोगे और आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, एज सिंपल एज दैट. मतलब आप अपनी खुद की एनर्जी रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करोगे. आपकी ज्योग्राफी जैसे कि इंडिया की इतनी बढ़िया है, जिस वजह से आपका टूरिज्म का सेक्टर भी बढ़ रहा है. आप अगर और ज़्यादा मेक इन इंडिया करोगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा ब्लूम करेगा. आप खुद को अपग्रेड करोगे, एवोल्यूशन ऑफ एन एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब कि आप एग्रेरियन इकोनॉमी से लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाते हो, फिर हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हो, फिर सर्विसेज सेक्टर पे करते हो. ये नॉर्मली होता है, पर इंडिया का केस थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोगों ने लीप फ्रॉग कर दिया, प्राइमरी से सीधा हम टर्शरी पे चले गए. हमने मैन्युफैक्चरिंग का बीच में थोड़ा सा नहीं देखा. पहले के टाइम पे बिफोर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस राज सिस्टम एंड बहुत सारे और अजीबोगरीब रिफॉर्म्स की वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इतनी ज़्यादा पनप नहीं पाई. पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी अगर देखें तो हैवी इंडस्ट्रीज ठीक कर रही हैं, लेकिन हमारी जो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही. क्यों नहीं कर रही? इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, ऐसे करके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं. आउटडेटेड फैक्ट्री और लेबर लॉज हैं, और लेबर लॉज तो इतने आउटडेटेड हैं वो हमने अभी देख लिया है ड्यूरिंग द पैंडमिक. सो जिस वजह से हम यहाँ से टर्शरी से यहाँ पे चले गए. अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें, तो देर आर लेस स्किल्ड पीपल दैन स्किल्ड पीपल इन इंडिया. सो ऑफकोर्स दैट इज़ वाई देर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे तो सिर्फ स्किल्ड लोग ही होंगे, अनस्किल्ड लोग लो स्किल जॉब्स कर सकते हैं, और लो स्किल जॉब्स ढंग से हो नहीं पा रही क्योंकि लॉज इतने अच्छे नहीं हैं, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी इतनी अच्छी नहीं है. सो दीज आर द बॉटलनेक्स जो हमें निकालने पड़ेंगे ताकि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कर सके.
Ministry of Commerce is the nodal industry. The Pradhan Mantri Narendra Modi ji ne Make in India ke baare mein baat ki thi. Aur iske liye nodal industry ya main industry nahi, nodal ministry ya main ministry kisko bana diya? Ministry of Commerce. और बोला गया इनको कि आप कोई कोई हमें ब्रॉड आउटलाइंस दे दीजिए जिससे आपका मेक इन इंडिया ये जो ड्रीम है ये हमारा फुलफिल हो सके. सो सबसे पहले तो ये है रिलैक्स दी एफडीआई लिमिट्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है. और फिर है फिस्कल इंसेंटिव्स, दो टैक्सेस को थोड़ा कम करो, सब्सिडीज थोड़ी ज़्यादा करो. पीपल आर ड्रॉन टू इंसेंटिव्स. अगर इंसेंटिव दिखेगा, टैक्सेस कम दिखेंगे, तो ही जाके कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की कोशिश करेगा. क्रिएशन करो इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड बनाओ, रेलवे बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ ताकि इंटीग्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री हो सके. फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए. अगेन पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. अगर बहुत ही डिफिकल्ट है क्लियरेंसेज लेकर आना और बहुत ही डिफिकल्ट है एक देश में काम करना या उधर कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिलना या इलेक्ट्रिसिटी या कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करना, इफ इट इज़ डिफिकल्ट, आई वुड नॉट लाइक टू वर्क इन सच अ प्लेस. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी मच नीडेड. रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि इनोवेशन हो सके. और स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के साथ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी की जनरेशन की बहुत ज़रूरत है. अच्छा, ये सारे ग्राउंड्स को नज़र में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इनिशिएटिव दैट हैज़ टेकन प्लेस. हाउएवर थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी. वो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करेंगे और इसके बाद, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसके बाद वी विल टॉक अबाउट अनदर पॉइंट लेटर ऑन. सो जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके अंदर फेम जो इनिशिएटिव है, जो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसके तरफ एक सेंट्रल स्कीम है. हाल ही में दिल्ली ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी जो कि हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी. सो ऑफकोर्स वो लिथियम बैटरी वगैरह यहाँ पे नहीं बनता, उसको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा. तो साथ ही साथ लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बननी चाहिए. फिर अगर एविएशन सेक्टर के बारे में बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक, जहाँ जहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी नहीं है एयरपोर्ट की या एयरवे की, वहाँ पे बनाइए. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ है, पहली बार चीज़ बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एम्फोसिस था कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो 2016 में एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बना है कि अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बननी है तो सबसे पहले और पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ को मिलनी चाहिए और उसके बाद जाके दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मिलनी चाहिए. मतलब हमारे इंडियंस को पहले आप प्रायोरिटी दीजिए अगर वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं. एंड लास्टली आपकी लेदर की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फुटवेयर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर गारमेंट्स. तो वी आर डूइंग वेरी वेल इन दैट. जो अच्छा कर रहे हैं उसको और भी अच्छा करो. तो न्यू लेदर पार्क्स बने, जैसे अभी हमने इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करी थी, जहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह दे के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम इस लेदर इंडस्ट्री को एक लेवल से ज़्यादा अच्छा करवाना चाहेंगे. तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे असेंबलेज इन इंडिया की बात करता है और बहुत सारे नेटवर्क प्रोडक्ट्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आई हैं. ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.